दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और वेटर कंपनी की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेटर कंपनी की कुछ अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहली अपडेट तो दोस्तों ये है कि अभी नई दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जूम मीटिंग भी मैंने की थी लेकिन बहुत सारे लीडर्स जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। और जूम मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग डालता हूँ तो लीडर्स की क्वेरी जा रही है कि जो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, 30-40 मिनट की है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बनाइए और बताइए कुछ अपडेट्स के बारे में। तो नई दिल्ली में जो मीटिंग थी, बहुत सारे लीडर्स को ये लगता था कि वो एक सेमिनार है कंपनी के द्वारा किया गया, लेकिन वो कोई सेमिनार नहीं था दोस्तों। वो क्या था, वो रशिया और इंडिया की कुछ कंपनीज थी, उनकी एक मीटिंग थी। वहां पर उन सभी कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दी थी और उसी में विटर कंपनी ने भी भाग लिया था। ये रशिया और इंडिया का बिजनेस समिट था। जैसे इंडिया में आईसीआईबी है, उसी तरह से रशिया में भी कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, तो उनके चेयरमैन यहाँ पर आए हुए थे। तो रशिया से कुछ कंपनीज थी, इंडिया से कुछ कंपनीज थी, वहां पर प्रेजेंटेशन हुई थी। तो बहुत अच्छी वो प्रेजेंटेशन रही। तो इंडिया की कुछ कंपनीज थी और रशिया की कुछ कंपनीज थी, और इसी तरह से सभी कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन वहां पर दी। तो हमारे प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन भी हुई, विटर कंपनी ने भी वहां पर भाग लिया था। और सभी को बहुत ही यूनिक ये आइडिया लगा, बहुत ही यूनिक दोस्तों, सच बता रहा हूँ, सभी ने इसको पसंद किया गया। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, तो वो क्वेश्चन थे वो कंपनी के पास भेज दिए गए हैं, तो कंपनी उनका आंसर दे देगी। और सभी जो कंपनीज आई थी उनकी डिटेल्स कंपनी के पास दी गई हैं। रशियन जो कंपनीज थी उनकी डिटेल भी सबमिट कर दी गई है। उसके साथ साथ ये आप देखिए, रशियन एम्बेसी में भी हमने विजिट की। रशियन एम्बेसी में गई थी सभी कंपनीज, वहां पर भी मीटिंग हुई, वहां पर भी एक दूसरे के साथ डिस्कशन हुआ। क्योंकि रशिया और इंडिया का जो बिजनेस का जो ट्रेड है उसको जो संभालते मिस्टर आंद्रे थे, मिस्टर आंद्रे से वहां पर बातचीत हुई और मिस्टर आंद्रे से भी डिस्कशन हुआ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो उनको भी बहुत ही यूनिक आइडिया लगा और फ्यूचर में उन्होंने कहा कि उसके उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो वो जरूर हेल्प करेंगे। बहुत ही यूनिक आइडिया लगा दोस्तों। कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज भी आई हुई थी कि जैसे रशिया से कोई कंपनी आ रही है और उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता करना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में इंडियन मार्केट में रिसर्च करनी है, सर्च करना, तो कंपनीज उनकी हेल्प करती थी। तो इसी तरह से विटर कंपनी के भी बातचीत हुई और उसके बारे में भी पता किया गया। अब ये दोस्तों ये क्या था, देखिए ये एक स्टेप है। अभी तक कंपनी क्या कर रही है, एक्सपो में भाग ले रही थी, एक्सपो में अलग अलग वहां पर विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स से डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल कंपनीज आई थी। कंपनी क्या थी दोस्तों, जैसे कोई कंपनी केबल बना रही है, कोई कंपनी स्टील बना रही है, कोई कंपनी कुछ जैसे हीटर, एक कंपनी हीटर बनाती थी, तो हीटर जो प्रोडक्शन, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है वहां पर यूज होते हैं। कुछ कंपनी लेआउट करती थी, जैसे आपको कुछ भी प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो उसका लेआउट जो करते हैं, लेआउट करती है। तो इसी तरह से अलग अलग वहां पर कंपनीज थी, अलग अलग प्रेजेंटेशन थी वहां पर। तो इसी तरह से वेटर की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी उनको लगा। तो वही सबसे पहले जो कंफ्यूजन आता है, सभी को लगा कि एक रियल एस्टेट अथॉरिटी है, बिल्डिंग ये बनाने वाले हैं। तो वो कंफ्यूजन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेजेंटेशन हुई, क्वेश्चन आए कि जी आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप रियल एस्टेट अथॉरिटी से है तो हमारा स्टील आप लीजिए, हम यहाँ पर ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो उनको समझ में आया कि जो वेटर कंपनी है वो रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, वो लाइसेंस सेल करती है और ये उनका प्रोजेक्ट है। जैसे उनको प्रोजेक्ट और डिटेल में उन्होंने समझा तो बहुत ही अच्छा उनको प्रोजेक्ट लगा कि ये तो बहुत ही यूनिक है। क्योंकि छोटे मोटे टर्बाइन्स के बारे में सभी ने सुना था, जो हाईवे के ऊपर भी छोटे मोटे टर्बाइन्स अब लगने लगे हैं, तो वो तो बहुत ही छोटी छोटी मतलब कम अमाउंट में बिजली बनाते हैं। उसके साथ साथ पवन चक्कियाँ हैं जो समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर होती हैं, लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं सुना था। तो बहुत ही डिटेल में कुछ कंपनी ने बहुत ही डिटेल में इसको समझा, बहुत ही डिटेल में उन्होंने क्वेश्चन भी किए। तो जिन क्वेश्चन के जवाब हमारे पास नहीं थे तो वो क्वेश्चन कंपनी के पास फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही जरूरी अपडेट थी दोस्तों। उसके साथ साथ कंपनी ने कोरिया में भी बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। कोरिया में एक एक्सपो था, वहां पर ये आप फोटोज देख सकते हैं, वहां पर भी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बीच में कुछ पेटेंट्स यहाँ पर कंपनी को मिले, तो पेटेंट्स तो रेगुलर मिलते ही रहते हैं, वो एक नई बात नहीं रही है। एक 1.5 साल पहले नई बात थी कि पेटेंट मिल रहे हैं, पेटेंट मिल रहे हैं, क्योंकि तब सिर्फ पेटेंट ही मिल रहे थे, कंपनी इतनी ज्यादा फील्ड के ऊपर नहीं आई थी। और पंजाब में जो लैंड सर्वे का काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है दोस्तों, और उसके बारे में अभी तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, कोई भी अपडेट वहां पर उसके बारे में अभी नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आएगी तो जरूर बताएंगे। अभी सभी लीडर सोच रहे हैं कि पहला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, सभी वेट कर रहे हैं दोस्तों, आप भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। कुछ डिविडेंड आईपीओ के बारे में अगर आप ऑफिशियली अपडेट चाहते हैं तो कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है कस्टमर केयर का, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कंपनी की तरफ से जो भी अपडेट्स हैं, जो भी अपडेट्स हमें मिलती हैं, आपको मिलती हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, या फिर जो भी हम जानकारी लेते हैं,
तो वो जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। और अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रेफर लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, 1500 शेयर आपको फ्री मिलते हैं। उसके बाद अगर आप और भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये एक स्टार्टअप है, टाइम लगेगा रिटर्न आने में, और इसका इसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी लेने के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीटर कंपनी के सभी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप शेयर करना चाहते हैं, अगर आपने टीम बनाई है तो इसी तरह से मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।